प्रिय बच्चों, मैं श्रीमती नूतन सक्सेना, शासकीय हमीदिया बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गिन्नौरी भोपाल में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम यहाँ पर व्याकरण के अंतर्गत रस के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है। रस काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस की परिभाषा कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ते, सुनते अथवा देखते समय पाठक, श्रोता और दर्शक को जिस विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है उसे बच्चों रस कहते हैं। तो आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, इसमें बच्चे पढ़कर आनंद ले रहे हैं, सुनकर ले रहे हैं और देखकर। तो देखकर, सुनकर और पढ़कर हमको जिस आनंद की अनुभूति होती है बच्चों, उसको हम रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार सर देके हृदय में स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की उत्पत्ति होती है। रस के चार अंग हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब स्थायी भावों का यहाँ पर हम परिचय जानेंगे कि स्थायी भाव क्या होते हैं। सर दे के हृदय में जो भाव स्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये भाव सुप्त अवस्था में रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां पाकर जाग जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 10। 10 रस हैं और 10 ही स्थायी भाव हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है, इनकी संख्या 10 है। श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है बच्चों? रति है। हास्य, हास्य का हास है। करुण, करुण का शोक है। रौद्र का क्रोध है। वीर रस का उत्साह है। भयानक का स्थायी भाव भय है। बीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय। शांत का निर्वेद है। और दसवां रस जो है वात्सल्य, उसका स्थायी भाव है संतान प्रेम। वैसे 9 ही रस है हमारे हिंदी साहित्य में, परंतु 10वां रस जो है वात्सल्य रस को माना गया है। विभाव, विभाव क्या है? स्थायी भावों को जागृत करने वाले जो कारक हैं उनको विभाव कहते हैं। पहला है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन के भी 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। तो आलंबन की परिभाषा को हम यहाँ जानेंगे कि आलंबन क्या है। जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत हो उसको हम आलंबन कहते हैं। इसका पहला भेद है आश्रय। जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो उसको हम आश्रय कहते हैं। विषय, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो वो विषय है। उद्दीपन, स्थायी भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। अनुभव, अनुभव आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में एक्टिंग भी कहते हैं। जैसे सिंह से भयभीत व्यक्ति का कांपना, चीखना, भागने की चेष्टा करना, ये क्या होता है? अनुभव के उदाहरण है। तो कोई व्यक्ति के सामने यदि शेर आ जाता है तो वे डर कर भागेगा या कांपने लगेगा या चीखने लगेगा या भयभीत होकर गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो जो ये भारी चेष्टाएं हैं उनको हम अनुभव कहते हैं। अब है संचारी भाव। स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है बच्चों?
33 है। निर्वेद, शंका, ग्लानि, हर्ष, आवेग आदि प्रमुख संचारी भाव हैं। ये क्या है? आते हैं और लुप्त हो जाते हैं। स्थाई भाव और संचारी भाव में अंतर। पहला है अंतर, स्थाई भाव उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट नहीं होते, वे रस परिपाक होने तक बने रहते हैं, जबकि संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह बनते और बिगड़ते रहते हैं। दूसरा है, प्रत्येक रस का एक ही स्थाई भाव होता है, किंतु एक ही रस के अनेक संचारी भाव हो सकते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तीसरा अंतर है, स्थाई भावों की संख्या 10 है, जबकि संचारी भावों की संख्या 33 है। अब हम रसों की परिभाषा और उनके उदाहरण को जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम श्रृंगार रस के बारे में जानेंगे। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के भी दो भेद हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। काव्य में जहां नायक नायिका के मिलन, बातचीत, दर्शन एवं प्रेम क्रीड़ाओं का चित्रण हो, वहां पर श्रृंगार रस होता है। तो आपको समझ में आया बच्चों, जहां पर मिलने का वर्णन है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेक रही पल तारत नाही। बच्चों ये प्रसंग उस समय का है जब श्री राम और सीता के विवाह उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। जब अपने हाथ में पहने कंगन की नग की परछाई में सीता जी श्री राम की मनमोहक छवि को देखती हैं, तो वह स्वयं को रोक नहीं पाती और एकटक प्रभु राम की छवि को उस कंगन के नग की परछाई में निहारती रहती हैं, क्योंकि दूल्हे के वेश में श्री राम अत्यंत ही मनमोहक दिख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर मिलने का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। अब इसमें स्थाई भाव क्या है? रति है। आश्रय क्या है? सीता जी है। आलंबन क्या है? राम है। उद्दीपन राम का रूप और रूप को निहारना, सुधी को भूल जाना, ये उद्दीपन है। संचारी भाव यहाँ पर क्या है? लज्जा है, संकोच है, ये संचारी भाव। तो बच्चों ये था संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार दूसरा भेद श्रृंगार रस का, जहाँ नायक एवं नायिका अथवा किसी व्यक्ति के वियोग प्रसंग का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। वियोग से मतलब है बिछुड़ना। यहाँ पर हम इसका उदाहरण पढ़ेंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं। इसमें व्याकुल श्री राम सीता जी को वन वन में ढूंढते फिर रहे हैं। वे पशु पक्षियों से सीता के बारे में पूछते हैं, पक्षियों पशुओं और भौरों के समूह से पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है, और वह सीता कैसी है जिसके नेत्र मृग के नैनों के समान हैं। तो वे यहाँ पर वन वन में घूमकर सीता जी को ढूंढ रहे हैं। तो बच्चों आपको पता है कि सीता जी को रावण अपहरण करके ले गया था। अगला है हास्यरस। तो हास्यरस की जो परिभाषा है, सहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां हास्यरस होता है। बच्चों मैंने यहाँ पर ये उदाहरण लिया है, आप लोगों को और भी कोई हास्यरस का उदाहरण याद हो वो आप लोग याद कर सकते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब आप लोगों को ये उदाहरण पढ़कर ही हंसी आ रही होगी। यहाँ पर एक व्यक्ति के बेडोल शरीर के बारे में
बताया गया है कि उसकी देह कैसी है, शरीर कैसा है उसका, हाथी के समान है, मतलब खूब ऊंचा और मोटा है। और उसकी खाल कैसी है, गेंडे के समान है। उसकी खोपड़ी कैसी है, तरबूजे की, जो तरबूजा होता है उसके समान है। और उसके गाल कैसे हैं, खरबूजे के समान गाल हैं, मतलब बड़े बड़े गाल हैं। तो ऐसी आकृति को अगर हम देखेंगे तो हमको क्या आएगा, हंसी आएगी, और हम अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हास्य रस की परिभाषा में दो चित्र लगे हुए हैं, एक जोर जोर से हंस रहा है और एक लोट मारकर भी हंस रहा है। तो अब यहाँ पर स्थायी भाव आपको पता ही है, हास है। आश्रय यहाँ पर क्या है, हास्य पात्र व्यक्ति। आलंबन क्या है, हास्य पात्र व्यक्ति जिसकी शरीर की बनावट हम देख रहे हैं। उद्दीपन व्यंगोक्ति अनुभव, खिलखिलाना या खिलखिलाहट चिढ़ाना, संचारी भाव चपलता और अट्टहास आदि। तो बच्चों आपको इसके अलावा भी कोई और उदाहरण याद है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अगला है करुण रस। सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण आप देखिए, आप सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में भी जानते हैं, तो देखिए हम पढ़ते हैं इसका उदाहरण। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब करुण का स्थायी भाव क्या है, शोक। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा उनसे मिलने आते हैं और उनकी जो दशा होती है उसको देखकर जो कृष्ण हैं वह रोने लगते हैं, और वह उनको अपने महल में लेकर आते हैं और उनको राजगद्दी पर बिठाकर उनके चरणों को परात में पानी भरकर धोते हैं, परंतु उस पानी को वह हाथ नहीं लगाते और वह इतने दुखी होते हैं और रोते हैं कि उनके जो अश्रु हैं उन्हीं के जल से चरणों को वे धो देते हैं। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है और ये करुण रस का उदाहरण भी है कि सुदामा की दशा को देखकर श्री कृष्ण बहुत रोते हैं और दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर इसका स्थायी भाव शोक है, आश्रय श्री कृष्ण है, आलंबन कौन है, सुदामा, उद्दीपन सुदामा की दयनीय दशा जिसको देखकर श्री कृष्ण रोते हैं, अनुभव अश्रु प्रलाप, संचारी भाव यहाँ पर दुख विषाद स्मृति और दैन आदि है। अब हम पढ़ेंगे रोद्र रस। रोद्र का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों, क्रोध। तो सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वे वहां पर रोद्र रस के रूप में बदल जाता है। इसका उदाहरण हमने महाभारत से लिया है। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। बच्चों यहाँ पर अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं जब उनका पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वह बहुत दुखी होते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। उस समय यहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश उनको दिया और उनको बताया, तब वे यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर, श्री कृष्ण के वचन को सुनकर वह अपना सारा दुख भूल गए, करतल युगल मलने लगे से दोनों अपनी हथेलियों को मलने लगे और अपना सारा दुख भूलकर वे युद्ध भूमि में लड़ने के लिए खड़े हो गए। और फिर वह कहते हैं कि अब देखे हमारे जो शत्रु लड़ने के लिए खड़े हुए हैं वे अब यहाँ पर मृत ही मिलेंगे, कि संसार अब देखे, क्योंकि अब कोई भी जो हमारे सामने शत्रु आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा, ये घोषणा करते हुए वे युद्ध के लिए फिर से खड़े हो गए। तो यहाँ पर वे क्या हुआ, क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण ने जब उनको अपने वचन सुनाए तो वह क्रोधित होकर
फिर से युद्ध भूमि में लड़ने के लिए खड़े हो गए। रुद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, आश्रय अर्जुन है, आलंबन शत्रु है, उद्दीपन यहाँ पर श्री कृष्ण के वचन है, अनुभव क्या है क्रोधपूर्ण घोषणा, संचारी भाव आवेग चपलता श्रम और उग्रता आदि, वीर रस सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां पर वीर रस होता है। इसका उदाहरण देखिए, आप लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना हुआ है, इनकी कविता को पढ़ा है, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, और जब ये युद्ध भूमि में जाती थी तो लोगों के सिंहासन भी हिलने लगते थे, मतलब इतनी वीर थी वे ये है कि लोग डरने लगते थे। तो बच्चों ये देखिए इसका उदाहरण, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हम लोग सभी जानते हैं कि झांसी वाली जो रानी है लक्ष्मीबाई, इन्होंने अंग्रेजों से अंतिम समय तक युद्ध किया और ये शहीद हुई। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, आश्रय यहाँ पर क्या है रानी लक्ष्मीबाई, आलंबन क्या है विरोधी पात्र या शत्रु, उद्दीपन क्या है रणभूमि, अनुभव रणभूमि में युद्ध करना है, संचारी भाव क्रोध चिंता और उग्रता, भयानक रस सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां पर भयानक रस होता है। भयानक का मतलब होता है भय डरना। तो बच्चों यहाँ पर एक आप चित्र भी देख रहे हैं, इसमें डर के कारण जो राहगीर है वो पेड़ पर चढ़ गया, एक तरफ शेर है एक तरफ अजगर है और नीचे मगर है, तो यहाँ पर ये डरा हुआ व्यक्ति है। इसी का एक उदाहरण देखिए आप नीचे, एक और अजगर ही लखी एक और मृग राय, बिकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब यहाँ पर क्या है कि एक राहगीर जंगल में जा रहा है और रास्ते में उसको एक तरफ अजगर और एक तरफ शेर दिख जाता है, तो जो बटोही है राहगीर है वह मूर्छा खाकर गिर जाता है डर जाता है। तो यहाँ पर कौन सा रस है भयानक रस है, मतलब डर उत्पन्न हो रहा है भय उत्पन्न हो रहा है तो ये भय है। स्थायी भाव भय है, आश्रय क्या है इसका बटोही यानी जो राहगीर है, आलंबन क्या है कौन उसका है? डर को बढ़ा रहा है, एक तरफ शेर है और एक तरफ अजगर है, उद्दीपन अजगर और सिंह की भयप्रद चेष्टाएं जो उसके ऊपर आक्रमण करने की चेष्टा कर रहे हैं, अनुभव बटोही का विकल होकर मूर्छित हो जाना ये अनुभव है, संचारी भाव स्वेद कम और आवेश ये इसके संचारी भाव है। अगला है विभत्स रस, सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा या कहें तो घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां पर विभत्स रस के रूप में बदल जाता है। तो इस चित्र को आप देखें, हम इस तरह का कोई भी दृश्य कहीं देख नहीं पाते और हम तुरंत अपनी नजरों को वहां से हटा देते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, सिर पर बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही स्यार अति ही आनंद उर्धारत। अगर कहीं कोई एक शव पड़ा हुआ है, किसी जानवर का शरीर पड़ा हुआ है, मरा हुआ जानवर का शरीर वहां पड़ा हुआ है, उस पर कौआ बैठकर उसकी आंखों को नोच रहा है और स्यार जो है वो उसकी जीभ को खींचकर खा रहा है और दोनों ही को इसमें बड़ा ही आनंद आ रहा है, परंतु यहाँ पर अगर हम ऐसे दृश्य को देखेंगे तो हमें घृणा उत्पन्न हो जाएगी और हम उसको फिर से नहीं देख पाएंगे। तो बच्चों ये है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव आपको पता ही है घृणा है, आश्रय क्या है यहाँ पर पाठक यानी जो पढ़ने वाला है वो उसके मन में भाव कैसे हुए घृणा के, आलंबन क्या है घिनौना
दृश्य। उद्दीपन क्या है? मांस नोचना और आंख निकालना। अनुभव क्या है? आंखें मूंदना और जी मचलाना। संचारी भाव निर्वेद, ग्लानि और दीनता। अगला है अद्भुत रस। सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां पर अद्भुत रस होता है। आप चित्र भी देख रहे हैं, यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण के मुख में पूरे विश्व की माया को देखकर अचंभित हो गई हैं। इसका उदाहरण है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व माया, क्षण भर को वे बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। अब यहाँ पर जब श्री कृष्ण छोटे थे, उन्होंने मिट्टी खा ली, उनके सखाओं ने माता यशोदा को आकर उनकी शिकायत लगाई कि आपके पुत्र ने मिट्टी खाई है, तब माता उनको बार बार डांटती हैं कि तुम अपना मुंह खोलकर मुझे दिखाओ, तो श्री कृष्ण नहीं दिखाते। फिर वे उनको बहुत जोर से उनके ऊपर क्रोधित होती हैं और अपने हाथ में एक साटी यानी डंडी ले लेती हैं कि अगर अब तुमने अपना मुंह खोलकर नहीं दिखाया तो मैं तुमको बहुत पीटूंगी। तब श्री कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं तो माता उनके मुख में पूरे विश्व की माया को देखकर अचंभित हो जाती हैं और क्षण भर के लिए वे अचेतन अवस्था में आ जाती हैं और वे कुछ भी उनको ध्यान नहीं रहता और एक पल वो हिल भी नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? अद्भुत रस है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे के मुख में पूरे विश्व की माया को देखकर माँ जो है वो अचंभित हो जाती है। तो ये यहाँ पर अद्भुत रस है। इसका स्थायी भाव है विस्मय। आप सब लोगों को बच्चों सबसे पहले तो पूरा रस के नाम और उनके स्थायी भाव को याद कर लेना है। तो स्थायी भाव क्या है? इसका विस्मय है। आश्रय क्या है? यशोदा माँ। आलंबन क्या है? श्री कृष्ण का मुख। उद्दीपन क्या है? मुख में भुवनों का दिखना। अनुभव क्या है? नेत्र का विकास, गदगद स्वर। संचारी भाव क्या है? त्रास और दैन आदि। शांत रस। सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां पर शांत रस होता है। अब यहाँ पर एक महिला अगरबत्ती लेके ईश्वर का स्मरण कर रही है। इस समय उसके मन में और कोई भी भाव स्थायी रूप से विद्यमान नहीं होगा, उसके हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव ही जागृत होगा। इसका उदाहरण देखिए, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माही। अब यहाँ पर ये पंक्तियाँ कबीर के द्वारा रचित हैं। उनका कहना है कि जब तक यह मानता था कि मैं हूँ तब तक मेरे सामने हरि नहीं थे, हरि यानी ईश्वर। जब हरि प्रगटे मेरे हृदय में तो मैं नहीं रहा। अंधेरा और उजाला एक साथ एक ही समय पर कैसे रह सकता है? जब तक मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार छाया है वह ईश्वर को नहीं पा सकता। अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना नामुमकिन है। ये भावना दूर होते ही वह ईश्वर को पा लेता है। तो स्थायी भाव इसका निर्वेद है। आश्रय क्या है? वैरागी व्यक्ति। आलंबन क्या है? भौतिक सुख का अस्थायी होना, संत समागम। उद्दीपन क्या है? देह की क्षण भंगुरता का ज्ञान। अनुभव भोग को छोड़ देने की भावना, मतलब व्यक्ति वैरागी हो जाता है और उसे फिर कोई भी भौतिक संसाधन अच्छे नहीं लगते। संचारी भाव धृति, मति, विमर्श और वैराग्य। तो बच्चों ये था शांत रस। अगला है अंतिम वात्सल्य रस। सहृदय के हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है बच्चों तब वहां पर वात्सल्य रस होता है।
माता यशोदा अपने बाल कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। तो यहाँ पर हम इस चित्र को देखकर यह अनुमान लगाएंगे कि एक माँ अपने पुत्र को प्यार कर रही है। तो इसका उदाहरण देखिए, जसोदा हरि पालने झुलाबे, हल रावे दुल रावे मलहावे, जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुला। अब यहाँ पर माता यशोदा कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और प्यार कर रही हैं और मल रही हैं, जिससे उनके पुत्र को नींद आ जाए। और वह नींद को कह रही हैं कि तुम नींद क्यों नहीं आती, क्यों तुम मेरे पुत्र को आकर सुलाती नहीं हो। तो यहाँ पर कौन सा रस है बच्चों? वात्सल्य रस है। एक माता का अपने पुत्र के प्रति जो प्यार है वह है स्नेह का भाव। तो यहाँ पर इसका स्थायी भाव क्या है? वत्सल है या स्नेह कहें हम। आश्रय यहाँ पर कौन है? यशोदा है। उद्दीपन क्या है? कृष्ण को सुलाना, पलक मूंदना, ये उद्दीपन विभाव है। अनुभव क्या है? यशोदा की क्रियाएं, जो वे उनको झूला दे रही हैं, उनको थपथपा रही हैं, ये उनकी क्रियाएं हैं। संचारी भाव हर्ष और शंका, ये इसके भाव हैं। तो बच्चों ये था वात्सल्य रस। अब आपको यहाँ पर गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्नों को दिया जा रहा है, तो आप इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और इनके उत्तरों को याद करें। तो बच्चों यहाँ पर ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं? तो आप लोगों को मैंने बताया है, तो आप लोग अपनी किताबों से पुनः इसको पढ़ें और इसका उत्तर लिखें। दूसरा है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? अब मुझे लगता है कि आपको संचारी भावों की संख्या भी याद हो गई होगी। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौथा प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? पांचवा प्रश्न है, अनुभव किसे कहते हैं? छठवां प्रश्न है, स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या अंतर है? तो बच्चों आप लोग इन प्रश्नों को याद, इन प्रश्नों के उत्तरों को याद करें और सभी रस के उदाहरण जरूर याद करें, क्योंकि परिभाषा लिखने से हमें उसमें पूरे अंक नहीं मिलते, हमें उसका उदाहरण भी लिखना पड़ता है। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर रस के बारे में चर्चा की, हमने रस के कई और उदाहरणों को यहाँ पर पढ़ा और समझा। बच्चों आप चाहें तो आपको और भी जो कई उदाहरण आप लोगों ने पहले से याद करके रखे हैं उनको आप याद करके, या अन्य और उदाहरण आपको इसमें से अगर कुछ अच्छे लगे तो उनको याद कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए। मैं समझती हूँ मेरे द्वारा आज ये पढ़ाया हुआ रस आपको अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।